नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी लोगों का खबर 11 बजे में। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी हुई है। शेरे अतीक ग्रुप का सदस्य रह चुका है शूटर अरुण। सोर्सेस से ये खबर मिल रही है, असद ने अतीक के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। ग्रुप पे अतीक के वर्चस्व की कहानी बताई जाती थी। अरुण ने कुछ दिन पहले ही उस ग्रुप को लेफ्ट किया था। सोर्सेस से ये हालांकि खबर मिल रही है, गैंग 90 व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ गया था। सोर्सेस से ये खबर मिल रही है बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अरुण जो उन तीन शूटर्स में से एक शूटर है जिसने अतीक और अशरफ पर गोलियां चलाई थी, उसको मौत के घाट उतार दिया था। वो शेरे अतीक नाम के एक ग्रुप से जुड़ा हुआ था और कुछ ही वक्त पहले उसने उस ग्रुप को छोड़ा था। और खबर प्रयागराज से है, जहां अतीक हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करेंगे। पुलिस ने आरोपियों पर सवालों की बौछार कर दी है। तीनों कब से साथ हो ये सवाल पूछा जा रहा है। एक दूसरे के संपर्क में कैसे आए ये भी पुलिस की तरफ से सवाल दागा गया है। हत्या की प्लानिंग कब की, कैसे की, कहां रुके, प्रयागराज में कहां रुके थे, क्या प्रयागराज के किसी लोकल से कोई मदद ली थी, अतीक अशरफ के अस्पताल आने की सटीक सूचना कैसे मिली, आरोपियों ने सभी सवालों के गोलमोल जवाब दिए हैं, कोई सटीक जवाब अभी तक नहीं दिया है। लेकिन पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है और पुलिस के सवाल भी बौछारों की तरह उन पर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनसे सवालों की जो एक लंबी फेरस पूछी जा रही है, उसमें क्या क्या सवाल शामिल है वो जरा आपको बताते हैं। सबसे पहले वो तीनों शूटर्स जो अलग अलग जिलों के थे, वो एक दूसरे को कैसे जानते हैं, कब से वो एक दूसरे के साथ है, इसके अलावा एक दूसरे के संपर्क में वो कैसे आए, क्या कोई बीच की कड़ी है जिसने उन तीनों को एक दूसरे के संपर्क में लाया, प्रयागराज में वो कब आए थे, कब से उन्होंने साजिश रची, कब से वो रेकी कर रहे थे, हत्या की प्लानिंग उन्होंने कब शुरू की, प्रयागराज में वो कहां रुके थे, क्या प्रयागराज में किसी लोकल से भी उन्होंने मदद ली थी, क्योंकि अगर वो किसी नई जगह पर जाकर किसी को मौत के घाट उतार रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी लोकल से उनको जरूर मदद मिली होगी, जानकारी मिल रही होगी, अपडेट्स उनको कैसे मिल रही थी, सटीक जानकारियां कैसे थी उनके पास, कौन पहुंचा रहा था ये जानकारी, अतीक अशरफ के अस्पताल आने की सटीक सूचना कैसे उनके पास थी, ये एक बड़ा सवाल है जो उनसे पूछा गया है। क्या किसी मीडिया कर्मी के भी संपर्क में वो थे, कैमरा और माइक आईडी उनको कहां से मिली, इससे पहले प्रयागराज वो लोग कितनी बार आए थे, कितनी बार उन्होंने देखी कि अस्पताल में सुरक्षा होने के बावजूद ये कदम कैसे उन्होंने उठाया, क्यों उठाया, पुलिस जवाबी फायर कर दी तो फिर उन लोगों का क्या प्लान था, क्या इससे पहले भी वो इसी तरह के किसी वारदात में शामिल रहे हैं, सवालों की बौछार है और सवाल कई सारे हैं। लेकिन इन तीनों शूटर्स से जब पूछताछ की जा रही है तो जवाब गोलमोल उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं, कोई सटीक जवाब नहीं दे रहे हैं। हालांकि खुलासे हो रहे हैं लेकिन अभी तक पुलिस उस कड़ी तक नहीं पहुंच पाई है कि आखिर इस अतीक और अशरफ की हत्या किसने कराई है, क्योंकि इन तीनों की तरफ से तो पहले दिन ये कह दिया गया था कि बड़े माफिया बनना चाहते थे, यूपी के डॉन बनना चाहते थे, इसलिए कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन जवाब का इंतजार अभी भी है। अतीक हत्याकांड के तीनों आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर होने के बाद उन तीनों आरोपियों से इस वक्त प्रयागराज पुलिस लाइन में एसआईटी की पूछताछ जारी है। देखा जाए तो एसआईटी के पास इस हत्याकांड से जुड़े सवालों की एक लंबी फेहरिस्त है और अब तक सूत्र बता रहे हैं कि तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा सवाल तीनों आरोपियों लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और साथ में सनी सिंह से एसआईटी पूछ चुका है। हालांकि इसमें मुख्य रूप से अगर हम देखें तो एसआईटी की यही अभी कोशिश है कि सबसे पहले पता लगाया जाए कि जो हथियार इस्तेमाल किए गए इस हत्याकांड में, वो हथियार इन तीनों आरोपियों को कहां से मिले थे। पुलिस के पास तमाम सवाल हैं जिसमें मुख्य रूप से जो सवाल पूछे गए हैं, सूत्र बता रहे हैं कि उसमें ये जानकारी लेने की कोशिश की गई है कि इन तीनों की मुलाकात एक साथ पहली बार कहां हुई, ये प्रयागराज कब आए, प्रयागराज में कहां रुके और किन लोगों ने यहां पर इनकी मदद की। तो ये तमाम सवाल हैं जो एसआईटी की तरफ से इन तीनों आरोपियों से पूछे गए। हालांकि इस बात की अब गुंजाइश है कि जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया वहां पुलिस रिक्रिएशन भी करवा सकती है। वीडियो एनालिस्ट सेवलोचन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, प्रयागराज।